सके तो मेरा एक काम करो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरशद महमूद। अल्हम्दुलिल्लाह मैं रियाद पहुँच गया हूँ और बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ यहाँ पे आके। और कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि अल्लाह के घर के करीब मैं पहुँचूँगा। अल्लाह के घर के करीब पहुँच गया हूँ और ये सब मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। और मैं यहाँ जिन्होंने मुझे बुलाया है पाकिस्तान कॉन्सलेट का, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी पाकिस्तान डे की 78वीं सेलिब्रेशन में मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है। और ख़ास तौर पे बाजगा और उनकी पूरी टीम का मैं बड़ा मशकूर हूँ कि जिन्होंने इस इवेंट को बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी लगन के साथ इसे ऑर्गेनाइज़ किया है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह 3 तारीख को एम्बेसी का जो हाल है उसके अंदर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि अकेला कोई ना आए, बिल्कुल इस तरह से मिलजुल के आएँ कि जिस तरह से आप लोग पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं। और अपने दिल के अंदर एक सच्ची पाकिस्तानियत रख के लाइएगा और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को जब आप घर जाएंगे वापस तो अच्छी यादें लेके जाएंगे, और मैं जब आपके मुल्क से जाऊंगा पाकिस्तान अपने मुल्क तो अच्छी यादें लेके जाऊंगा। जितने मेरे दोस्त यहाँ रहते हैं, सिंधी, पंजाबी, बलोच, पठान, सबको आना है, क्योंकि जब तक ये सब नहीं आएंगे तो मुकम्मल पाकिस्तान नहीं बनेगा। क्योंकि कायद ने फरमाया है कि कायद का फरमान है, ये कायद का फरमान, सिंधी, पंजाबी, बलोच, पठान हुए थे जब ये एक जान, तब बना था पाकिस्तान। ये तेरा पाकिस्तान, ये मेरा पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान, ये प्यारा पाकिस्तान। इसलिए मैं तमाम पाकिस्तानियों को अपनी तरफ से, अपने दिल की गहराइयों से भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरा नाम जो है वो इनको दिया कि जी अरशद महमूद को बुलाएं। तो मैं आपके सामने हूँ और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों को प्रॉपर इंटरटेन करूँगा। और फिर यही कहूँगा कि शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। क्योंकि सिंधी है तो पाकिस्तान की सरबुलंदी है, बलोच है तो पाकिस्तान की सोच है, पठान है तो पाकिस्तान की उठान है, और पंजाबी है तो पाकिस्तान की कामयाबी है। हम सब लोगों को आपस में इस तरह से मिलजुल के रहना चाहिए कि जिस तरह से आसमान पे सितारे और कुरान में सिपारे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।